घर में घुस के आप वीडियो निकाल रहे हो क्या ये? हाँ बाहर क्या लिखा है? दरबार मंदिर क्यों घर में मंदिर नहीं होते है क्या? बाहर क्या लिखा है? गुरुद्वारे में फोटो। गुरुद्वारा किसने बोला गुरुद्वारा है? कहाँ लिखा है गुरुद्वारा? कहाँ खंडवा साहब कहाँ है? मंदिर, मेरी बात सुनो, मंदिर और गुरुद्वारे में फर्क है। पहले तो आप धीरे से बात करिए। हम भी तो ये आप वीडियो निकाल रहे हो, मैं इसलिए छेड़ रही हूँ। निकाल लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप वीडियो कैसे निकाल रहे हो? किसने अनुमति दी आपको वीडियो निकालने की? दिखा दीजिए ना आपकी वीडियो। ये आपकी वीडियो नहीं, नहीं आप मेरी बात सुनो, आपने वीडियो कैसे निकाला? मेरी आप बात सुन लीजिए। आपको पहले बोला ना, आपने बोला नहीं नहीं गुरुद्वारा कहाँ लिखा है? मेरे को पहले जहाँ पर गुरु साहब विराजमान होंगे वो गुरुद्वारा होगा। लेडीज से बात करने की तमीज नहीं है? आप चिल्ला रहे हैं मुझसे? नहीं, मेरे को एक बात बताओ, गुरुद्वारा कहाँ है लिखा हुआ मुझे ये बताओ। यहाँ पर गुरु साहब विराजमान होंगे एक एक घर में। अच्छा। एक एक मंदिर में, एक एक गुरुद्वारे में। वो तो आप घर में घुस जाओगे? मतलब हमारा घर है वो? घर में घुस जाओगे आप? हमारा घर है। नहीं, घर में घुसोगे ना? ऐसे घुस गए हो? बना लीजिए श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजमा तक 96 करोड़ी बुढ़ा दल। नहीं नहीं, पंजाब के सरदार बाबा बलवीर सिंह जी। आप बलवीर? नहीं, आप कौन हो? आपका नाम बताओ ना। निहंग सिंह फौज है। निहंग सिंह फौज है। आपका पर्सनली नाम क्या है? पर्सन नाम नहीं होता हमारा, निहंग सिंह फौज। ये जुल्म है ना, इसलिए आप बताने से डर रहे हो। अपना नाम और सरनेम जिस दिन आप बताइए अपना नाम। आप पहले मर्यादा बहाल कराइए। निहंग सिंह फौज बुढ़ादर। बुढ़ादर हो आपका? निहंग सिंह फौज बुढ़ादर 96 करोड़। ये फौज है। पहले मर्यादा बहाल कराइए। हाथ कैसे लगाया तुमने मुझे? देखो हम बहुत अच्छे। हाथ कैसे लगाया? हाथ कैसे लगाया मुझे? देखो आप हाथ लगा के घर में घुसोगे? घर नहीं है, मंदिर लिखा आपने। देखो जो भी मंदिर, मंदिर है हमारा, गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान है। देखो विष्णु भी भगवान भी है और ठाकुर जी भी है। चमन तो कहले बन हाँ जी। सत श्री अकाल भी सारे नू शेर पुथेर। एक वीडियो आई नाले वायरल भी हुई, निहंग सिंह ने एमपी मध्य प्रदेश जाके कुछ सिंधी कम्युनिटी होती है, एक कम्युनिटी है सिंधी, उनके गुरुद्वारों में या उनके मंदिरों में जाके उन्हें संदेश दिया, वार्निंग दी कि भाई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज बेसिकली है वो, आप वहां से उठा दें और वापस गुरुद्वारों में सबमिट करा दें। उस वार्निंग के बाद करीबन 80 सिंधियों के गुरुद्वारों से गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश उठा के वापस वहां पे गुरुद्वारा इमली साहिब वहां पे रख दिया गया। और इस पे बहुत बवाल कटा, बहुत रौला मचा कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो मैंने सोचा जरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि मसला क्या है। पहले तो मैं ये बता देता हूँ भाई, सिंधी कम्युनिटी बेसिकली ये सिंध प्रांत पाकिस्तान से आती है और इंडिया में भी काफ़ी लोग रहते हैं, ज़्यादातर आपके बॉम्बे साइड, साउथ में डेक्कन साइड में मिलेंगे, साउथ नहीं बट बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, या बेसिकली आपको ये इन जगहों पे आपको मिलेंगे महाराष्ट्र और ये मध्य प्रदेश में। तो इनका एक इतिहास है कि भाई बेसिकली ये इनकी जो ट्रेडिशन है कि ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज को घर में भी रखते हैं और उसी के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, उनकी मूर्तियां भी घर में सजाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात पता लगी निहंग सिंहों को, तो अमृतसर में एक जत्था है बाबा बुढ़ा दल 96 करोड़ी चक्रवर्ती, एक जत्था है निहंग सिंहों का बाबा बुढ़ा दल ऑफ 96 करोड़ी चक्रवर्ती।
इन्होंने इनके गुरुद्वारों और इनके बेसिकली गुरुद्वारे तो नहीं है, मंदिरों पे जाके रेड डाली कि भाई ये क्या मसला है। और जहां तक चीज समझ में आई तो चीज यही समझ में आती है, इन्होंने गुरु जब ये एंटर हुए इनके मंदिरों में तो इन्होंने क्या मूर्तियों के साथ गुरु ग्रंथ साहब महाराज विराजमान करें, इनके कोई धार्मिक गुरु हैं उनकी गद्दी गुरु ग्रंथ साहब महाराज से ऊपर रखी है, चंदुआ साहब जो आपको हर गुरुद्वारे में मिलेगा जो कवर होता है जो क्लोथ होता है स्क्वायर पीस वो नहीं है, ठीक है, और बहुत सी ऐसे इश्यूज निहंग सिंहों को मिले जिसके तहत उन्होंने ये बात कही कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश सिर्फ गुरुद्वारे में हो सकता है, किसी मंदिर में नहीं हो सकता जहां पे मूर्ति पूजा होती हो। और इस पे एक वीडियो भी सामने आए कि भाई एक निहंग सिंह एक लेडी से बहस कर रहा है, लेडी उसे कह रही है कि तुम मेरे को मत छेड़ो और ये सब दुनिया भर की बातें, लेकिन वो कहते हैं जी हम बाबा बुड्ढा दल 96 करोड़ी अमृतसर से हैं। और इसके बाद बवाल कटा तो फाइनली सिंधी कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि हम सारे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी को वापस से रिलोकेट कर देंगे और गुरुद्वारे में सबमिट कर देंगे, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन इसके बाद बवाल बहुत मचा ट्विटर पे और दुनिया भर का। तो मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि पहली चीज तो मैं सिंधी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहता हूं, मुझे नहीं पता कि ये बेसिकली उनको ये क्या है, उनको अगर वो कहते हैं ये मैसेज दोनों को निहंग सिंह और सिंधी कम्युनिटी को, लेकिन सिंधी कम्युनिटी को पहला मैसेज है कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सिखों के फाइनल गुरु हैं, वो गुरुतागद्दी गुरु गोविंद सिंह महाराज 10वें गुरु के बाद उनको मिली थी, और हम सिख उनको फाइनल गुरु मानते हैं। तो हमारे धर्म में पहली चीज तो मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है, अगर आप किसी मंदिर में उनको सुशोभित कर रहे हैं उनको रख रहे हैं तो ये चीज मेक श्योर करें कि वहां पे कोई मूर्ति ना हो, उनका स्थान ऊंचा होना चाहिए उससे नीचे सब होने चाहिए। तो हर जैसे धर्म का प्रोटोकॉल होता है, इस्लाम का अलग है, सिखों का अलग है, हिंदुओं का अलग है, ठीक है, तो अगर मैं किसी मंदिर जो शक्त मंदिर होते हैं जहां पे शिवलिंग विराजमान है उसके साथ मैं बाइबल भी रख दूं गुरु ग्रंथ साहब महाराज भी रख दूं तो जैसे वो प्रोटोकॉल उनका अलग है, एक स्थिति होती है वो उस पोजीशन में ही शिवलिंग को सजाते हैं चाहे वो आपके फिर और दूसरी मूर्तियां भी, तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल है उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। तो आप लोग तो पहले जो सिंधी कम्युनिटी को ये मैं बोलना चाहता हूँ, आप जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो वो गलत है। गुरु पता नहीं आपको आज तक किसी ने समझाया है नहीं समझाया, स्टोरी हमें पता है कि महाराजा रणजीत सिंह के जमाने में सिंधी कम्युनिटी बेसिकली उनके दरबार में आई तो उन्होंने एज ए गिफ्ट गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे दिए, वो दे भी गिफ्ट इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने बहुत गुरु नानक साहब को बहुत उन्होंने उनके रिक्वेस्ट भी करी और कि भाई हम मानते हैं और हम यू नो और बहुत संभाल के रखेंगे और गुरु ग्रंथ साहब महाराज को हिफाजत से रखेंगे। लेकिन अब जो चीज़ें समझ में आ रही हैं सिंधी कम्युनिटी भारत के भी कई प्रांतों में, तो वहाँ पे ये लोग मंदिरों की तरह उसमें मूर्तियाँ भी रख रहे हैं, फिर ये कहते हैं जी हम मूर्तियाँ भी पूजते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज को भी मानते हैं। तो निहंग सिंहों ने इन्हें ये बात कही कि भाई यहाँ तो तुम सिख बन जाओ या हिंदू बन जाओ, वही वाली बात है। तो उन्होंने कहा जी हम तो दोनों को मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे आप दोनों को मानो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज को भी मानो, आप मूर्ति पूजा भी करो, हिंदुइज्म भी मानो, लेकिन आप दोनों के स्थान या दोनों के गुरुद्वारे अलग अलग बनाओ। मूर्तियां जाऊंगी वहां गुरु ग्रंथ साहब महाराज नहीं हो सकते, क्योंकि सिख धर्म में इसकी सख्त मनाही है कि आप उसके साथ मूर्तियां रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज और गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्थान सबसे ऊंचा होना चाहिए। अब उसके बाद जी कई क्लेम आए, फिर आप मूर्तियों के लिए मंदिर अलग बनाओ गुरुद्वारे अलग बनाओ। मैं ये नहीं कहता सिंधी कम्युनिटी को कि आप फॉलो मत करो, फॉलो करो, आपकी पुरानी स्टोरी है, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हर चीज़ को फॉलो करने का तरीका है, ठीक है। तो हर चीज़ को फॉलो करने का जो तरीका है उस प्रोटोकॉल को ज़रूर फॉलो किया जाए, जैसे मंदिर का अलग तरीका होता है, ठीक है, मस्जिद का अलग तरीका है, आपके चर्च का अलग तरीका है, तो ऐसे ही गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब महाराज जो है ये कोई बुक नहीं है, सिखों
में ये 11वें गुरु माने जाते हैं क्योंकि 10वें गुरु ने इनको गुरता गद्दी दी थी नांदेड़ साहब ने, ठीक है। तो उसमें अब जो लेडी है बेसिकली वो ये बोल रही है कि नहीं ये तो देखो यहाँ ठाकुर जी भी हैं यहाँ पे भी हैं भाई, लेकिन आप ऐसे गुरु ग्रंथ साहब महाराज को नहीं रख सकते। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जहाँ सुशोभित होते हैं उसे गुरुद्वारा साहब कहा जाता है, वो मंदिर में नहीं रह सकती। उसके लिए आपको पूरा गुरुद्वारा अलग बनाना पड़ेगा, वो गुरु हैं उसके साथ। आप ये कोई किताब नहीं है कि आपने वहाँ पे चार मूर्तियाँ लगा दी और किताब भी लगा दी। गुरु ग्रंथ साहब महाराज सिखों की पावन पवित्र किताब नहीं है, ये गुरु हैं, ये युगों युगांतर तक रहने वाले गुरु हैं। तो ये मैसेज है मेरा सिख सिंधी कम्युनिटी को बेसिकली, तो उन्हें प्रोटोकॉल सिख धर्म वाला फॉलो करना पड़ेगा। आप रिस्पेक्ट करते हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए गुरु घर अलग मनाएं, ठीक है। और चलो ये हो गया। अब बेसिकली इसमें कई बवाल कटा, इसमें हमारा जो चहेता बेसिकली जिसकी मैंने धज्जियां उड़ा दी ट्विटर पे, पखंडी पुनीत सहानी नाम धारिया, उसने सिंधी कम्युनिटी का साथ दिया स्पेशली अपना यू नो वाह भाई लूटने के लिए या अपनी शेखी बगाड़ने के लिए कि देखो मैं कितना वो हूँ। भाई तू ये सब पखंड फैला के सिख धर्म के प्रोटोकॉल को ब्रीच करके या लोगों को इसके बारे में भड़का के कि ये तो सब गलत कर रहे हैं, निहंग तो पागल हैं, वो जट सिख हैं, इसने एक वर्ड पकड़ा हुआ जट सिख जट वो, भाई फिर तो मैं ये कहता हूँ कि तू अपने आप को खत्री खत्री के राग लापता रहता तो तू खत्री खत्रियों के गीत गा रहा तू, ठीक है। तो भाई सोचने वाली बात है कि भाई जब दूसरों के खुद के घर कांच के हों तो लोगों पर पत्थर नहीं फेंका करते। थिंक बिफोर यू डिजर्व टू यू नो टॉक ऑन दैट, ठीक है। तो इसने बड़ा ट्विटर पर भी गंद मचाया और ये है वो है। भाई हर धर्म का प्रोटोकॉल है, यहाँ पे कोई धर्मशाला नहीं लगी हुई कि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को उठाओ और कहीं भी रख दो, ठीक है। गुरुद्वारों में सुशोभित है, हर धर्म के लोग आते हैं, ठीक है, और उसको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल है। और पता नहीं लोग उसको सिंधी कम्युनिटी कैसे फॉलो कर रहा है। तो मैं वहाँ पे नियंग सिंह ने कोई आतंक नहीं मचाया, कुछ नहीं किया, उन्होंने सबसे प्यार से बात करी और उन्होंने यही कहा कि अगर आपको गुरु ग्रंथ साहब महाराज को रखना है तो आप प्रोटोकॉल के तहत अलग गुरुद्वारा बनाएंगे, वो मंदिर में नहीं रखी जाएगी, ठीक है। और इस पर ये दुनिया भर के लोगों को भड़काना सिखों के खिलाफ कि ये सिखों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है गलत है। और सिंधी कम्युनिटी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बस उन्हें प्रोटोकॉल फॉलो करने की ज़रूरत है, उसके अलावा मेरी फुल रिस्पेक्ट है। कल्चर हमारा कहीं ना कहीं मैच करता है, सिंध और पंजाब पहले एक ही थे उस ज़माने में, 1947 से पहले सब एक ही बरांडे में रहना, एक ही घरों में आसपास, तो बाद में माइग्रेशन हो गई, बंटवारा हो गया। लेकिन प्लीज़ फॉलो द प्रोटोकॉल, अगर आप गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश अपने पास रखना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, तो उनके लिए गुरुद्वारे अलग बनाएं। वहाँ पे एक गुरुद्वारे का नाम आ रहा है, एक इनके गुरुद्वारे का नाम आ रहा है पूनम दीदी का गुरुद्वारा, ये गुरुद्वारा अन्नापूर्ण, भाई ऐसे गुरुद्वारों के नाम नहीं होते, ये दीदियों के गुरुद्वारे या फलानी के गुरुद्वारे नहीं होते, गुरुद्वारा गुरु घर होता है वो, ठीक है, जहाँ पे गुरु साहब विराजमान होते हैं। तो सिंधी कम्युनिटी को पहले ये सब सीखना पड़ेगा कि भाई सिख प्रोटोकॉल इज कम्प्लीटली डिफरेंट, मिक्स मामला नहीं। अगर चाय बनाते वक्त आप कॉफ़ी की रेसिपी यूज़ करोगे ना तो वो कचरा ही बनेगा। तो चाय की रेसिपी अलग है, कॉफ़ी की रेसिपी अलग है, वो बात अलग है, दूध दोनों में चलता है, ठीक है ना। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, जिस बात और निहंग सिंहों को मेरा मैसेज है कि भाई जिथे जिथे निहंग सिंह फौजां नूं मेरा मैसेज है कि भाई तुम बहुत वधिया काम कर रहे हैं और जिथे भी तुम जाने प्लीज़ थोड़ा अपना तुम थोड़ा जहा एग्रैशन घट करो, लोगों समझाओ पहला, लोगों एडूकेट करो, लोगों थोड़ा उस चीज़ पर चानण पाओ कि जिथे लोगों का गैप आ उन्होंने चीज़ की समझ नहीं हैगी। लेकिन हर जगह थां थां जाके खड़कूवाद नहीं करना ताकि लोग सिख कौम मंदा ना आकर। सत श्रीकाल, बाकी चढ़दी कला च रहो, गुरु की लाडली फौज नीलियाँ फौजा, अकाल पुरख की फौज है, गुरु की फौज करेगी मरो मौज और करी रही है 1699 से। सत श्रीकाल।